नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय गॉड और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ वायलिन के इस नए लेसन में। आइए बिना समय वेस्ट किए सीखते हैं हैरी पॉटर थीम वायलिन पर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ यूं ही बना रहे तो जाइए, लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाए। मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, फिलहाल जो मेरे पास वायलिन है वो मैंने पसा में ट्यून कर रखा है और बी स्केल में ट्यून कर रखा है। अक्सर मैं सी स्केल में ट्यून करता हूँ, लेकिन क्योंकि तार पुराने हैं, मेरा वायलिन मुंबई रखा है, मैं उदयपुर में हूँ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लो ट्यून कर रखा है जिससे तार टूटे नहीं, खींच के तार टूटे नहीं। अगर आपको ट्यूनिंग की जानकारी नहीं है, सुरों की जानकारी नहीं है, तो ऊपर आई बटन है, आई बटन पर क्लिक करिए, देखिए वहाँ पर इसके लेसन्स है कि वायलिन की ट्यूनिंग कौन कौन सी होती है, उन्हें कैसे ट्यून करते हैं, सारे गम्मा कैसे प्ले करते हैं, ये क्या होता है और भी अधिक जानकारी। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं हैरी पॉटर की थीम। प सा गरे सा कोमल गा, ठीक है, मंत्र का प, ये कोमल गा, ये शुद्ध गा, ये कोमल गा। प सा गरे सा, वापिस रिपीट कर रहा हूँ, प सा गरे सा प म रे, प सा ग रे सा प म रे, सा ग रे नी, सा ग रे नी कोमल नी, सा ग रे नी रे प कोमल रे और फिर प। समझ में आया, वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखना। प सा ग रे सा प म रे, सा ग रे नी रे प रे प। सेकंड लाइन क्या है, प सा ग रे सा प नी धा धा प नी धा धा, दो धा आ रहे हैं, एक धा जो आ रहा है वो शुद्ध है, दूसरा धा कोमल है, तो शुद्ध धा से नीचे है ना, ये जो ब्रिज है इसके जस्ट पास में, तो प प ओपन हो गया हमारा, प नी कोमल नी है, शुद्ध नी मत करना, कोमल नी है, प नी दा दा। ठीक है, प सा ग रे सा प नी दा दा, फिर मा धा प मा ग सा मा धा प मा, ये जो मा है वो तीव्र मा है, ये हमारा शुद्ध मा और इस शुद्ध मा से थोड़ा सा आगे तीव्र मा, तो दोनों लाइन एक साथ प्ले कर रहा हूं, पूरा ध्यान फिंगर्स पे और रिदम भी देखना है ना, जिस रिदम में गा रहा हूं उसी रिदम में प्ले करना है, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो प्ले कर रहे हो, बहुत फास्ट प्ले कर रहे हो। प सा ग रे सा प म रे, सा ग रे नी रे प, प सा ग रे सा प नी धा धा मा धा प मा ग सा, फिर उसके बाद ग प कोमल ग, ग प ग धा प मा कोमल ध और फिर तीव्र मा, ग प ग धा प मा रे ग प मा रे ग प मा प प रे ग प मा, वापिस तीव्र मा, ग कोमल है ना, यहाँ तक कोमल ग ही आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ग प ग ध प मा,
कोमल ध कोमल ग और तीव्र म। ग प ग प ग ध प म रे ग प म प प प और प मंद्र प फिर मध्य प प प ये मोटी वाली स्ट्रिंग फिर ये वाली स्ट्रिंग। फिर सेकंड लाइन क्या है ग प ग प ग नी ध ध दोनों ध पहले शुद्ध ध फिर कोमल ध ग प ग प ग नी ग ग प ग प ग नी ध ध म ध प म ग सा दोनों लाइन को वापस रिपीट कर रहा हूँ ग प ग प ग ध प म तीव्र म रे ग प म प प ग प ग प ग ग नी ध ध म ध प म ग सा। बस आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे कोमल आ रहा है कहाँ पे शुद्ध आ रहा है कहाँ पे तीव्र आ रहा है और वैसे ही सही जगह फिंगर रखनी है। फिर प 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 म प ध प म प ग म म ग म सा प स ग म। ध्यान से देखना प प प प प प म प ध तीव्र म आएगा प प प प प प म प ध प म प ग कोमल ग म म ग म शुद्ध म म म ग म सा प सा ग म सा प सा ग म प प प प प म प ध प म प ग म म ग म सा प सा ग म। सेकंड लाइन क्या है प प प प प प म प नी ध ध ध नी ध ध ध वापस सेम कॉम्बिनेशन आ रहा है नी फिर शुद्ध ध फिर कोमल ध फिर वापस शुद्ध ध तो प प प प प प म प नी ध ध ध म शुद्ध म ध प म प ध प म प सा प सा प सा ग रे। सेकंड लाइन वापस रिपीट कर रहा हूँ देखना प प प प प प म प नी ध ध ध म ध प म प सा प सा ग रे है ना। अब ये दोनों लाइन में वापस रिपीट कर रहा हूँ एक साथ प प प प प प म प सॉरी प प प प प प म प ध प म प ग म म ग म सा प सा ग म तीव्र म प प प प प प म प ध ध ध ध म ध प म प सा प सा ग रे। समझ में आ गया दोस्तों। अब मैं पूरे इस थीम म्यूजिक को जो है एक साथ बोल रहा हूं, चेक कर लेना कैसा उसका फ्लो रहेगा। प सा ग रे सा प म रे सा ग रे नी रे प प सा ग रे सा प नी ध ध म ध प म ग सा ग प ग प ग ध प म रे ग प म प प ग प ग प ग नी ध ध म ध प म ग सा प प प प प प म प ध प म प ग म म ग म सा प सा ग म प प प प प प म प नी ध ध ध म ग प म प सा प सा ग रे। अब दोस्तों आप सुन के खुद ये सेंस से पता लगा सकते हो कि कहाँ आपको ऐसे ऐसे बो को काटना है, कट बोइंग करनी है, कहाँ रेगुलर बोइंग करनी है ना। जैसे ये फ्रेज है कि प प प प प प म प ध प म प, तो सिंपल सी बात है कि ये प प प प प प म प ध प म प एक फ्रेज है जहाँ पे आप मीट करोगे तो सुनने में मजा आ जाएगा। वो फ्रेज क्या है ग प ग प, तो वहां पे एकदम इंडियन फीलिंग आएगी। पहले सुनना उसको है ना।
तो क्या कर सकते हो? ग प ग प, मैंने इसको यहाँ पे प तक लाया। अब आप बोलोगे प कैसे आ गया यहाँ पे, तो अगर ये म है तो हमने ये वाला हो गया प, एक फिंगर का डिस्टेंस, तो मैं ग से यहाँ पे लाया। मुझे दिख रहा कुछ भी नहीं है, मैं सुन के ला रहा हूँ। तो जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा आपके इंस्ट्रूमेंट पे उतना अच्छा साउंड करेगा। और ये ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखना सुर बिगड़ने का बहुत चांस रहेगा, इसलिए पहले सिंपल प्रैक्टिस करना, सिंपल करो। जुलाई के मिड वीक से मैं वायलिन की ऑनलाइन क्लासेस लेने का सोच रहा हूँ, स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि बांसुरी के स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा एंट्री है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो अभी मैंने केवल फ्लूट के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया है और उनको हाँ कहा है, उनका मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे वायलिन के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ गई है, तो वो चिंता ना करें, आपको एडमिशन मिल जाएगा। और भी कुछ सीट अगर बाकी है तो दूसरे स्टूडेंट ज़रूर ट्राई करें, ठीक है? उसके लिए वायलिन होना ज़रूरी है आपके पास, वायलिन होना चाहिए। और वायलिन को ट्यून करने के लिए कोई ट्यूनिंग एप्लीकेशन हो आपके पास, या अगर आपके पास कोई नियर म्यूजिक के शॉप हो तो वहाँ से आप वायलिन को ट्यून करवा के रखिए मेरी क्लास के लिए, या मेरे क्लास से पहले ट्यून करवा लेना, है ना? वैसे कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो हम लोग क्लास में कर लेंगे, सिखा दूंगा मैं आपको कैसे ट्यून करना है, बट तो भी शुरुआत में आपको आसानी रहेगी समझने में, समझे मेरी बात? तो जुलाई के मिड वीक से मैं स्टार्ट कर दूंगा, जुलाई के मिड से वायलिन की क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे। कैसे उसका कैसे सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, कैसे मैं सिलेक्ट करूंगा स्टूडेंट्स को, तो मेरी वेबसाइट पे जाइए www.chinmaygaur.com पे, नीचे उसका लिंक है। और साथ में मैंने नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया है। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना आपका रिकॉर्डिंग, आपको जो भी प्ले करने आता हो, अगर आपको केवल टां 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 प्ले करना आता है ना तो वो भी ठीक है, पर कम से कम रिकॉर्ड जरूर करना, ऐसे ही तारों को बो कर लेना। और अगर आपको सारे गमा प्ले करना आता है जैसा भी, तो उसको जरूर भेजना, ठीक है? सारे गमा प्ले करना सिखाया है मैंने, जाइए देखिए, वापिस कहूंगा ऊपर आई बटन है, क्लिक करिए पूरा लिस्ट मिल जाएगा। वैसे सिखा तो बहुत कुछ रखा है, तो प्रैक्टिस करिए, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद और जय भारत।